उसे देखा तुमने, वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था। वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफुरा तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत व तवाना मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें। मैं तो बस जश्न मनाने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी माँ सफोरा से शादी कर ली और हम लोग मिद्यान में 40 साल तक रहे। और मिस्र में आपके खानदान वालों का क्या हुआ? उनकी और मुल्क मिस्र की भी मुझे कोई खबर नहीं मिली, और खुद मैंने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या अब्बा जान? मैं बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे दादा जान जेथुरू के साथ, फिर तुम पैदा हुए मेरे बेटे। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। चाचा जान, मैं अपने बेटे की खतना चाहता हूँ। मैं इसका नाम गर्शोम रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अपने बच्चे की खतना न करवाइए, जैसा कि आपका इरादा है। चाचा जान, अल्लाह ताला से ये हमारा मुहायदा है। मुसा, तुमने कहा था कि दोबारा मिस्र कभी नहीं जाओगे, अब हम लोग आप ही के हैं तो अल्लाह से आपका क्या मुहायदा है? ये मुहायदा हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम का है कि हर लड़के की खतना की जानी चाहिए, मेरे बेटे की भी। सफोरा बच्चे की खतना नहीं करवाना चाहती, और वो तुमसे बहुत प्यार करती है मूसा। मैं उससे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें बच्चे की खतना करवानी चाहिए। क्या तुम्हारा अल्लाह ये नहीं समझता कि इस तरह खानदान बढ़ जाएगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। और क्यों नहीं उससे पूछ लो, पूछो उससे। ऐ मेरे वालिद इब्राहिम के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद इसहाक के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मुझे इस जिंदगी से प्यार है और मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी सफोरा से और बेटे गर्शोम से। मुझे राह दिखा या अल्लाह, और हमेशा वो रास्ते दिखा जिन पर मैं चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज। वालेकुम अस्सलाम सफोरा। मैं आपके लिए खाने और मशरूबात लाई हूं बराए करम। शुक्रिया। अल्लाह का एहसान है। मैं फिर से हामिला हो गई हूं मूसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहीम व करीम है, उसने हमें सुकून की जिंदगी दी। पैदा होने वाला बच्चा औलादे नरी ना हो तो मैं आपको इजाजत देती हूँ कि उसकी खतना कर दे। क्या हुआ मेरी प्यारी सौजा? मुझे आपके अल्लाह से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो जाए या ये सोचे कि मैं उसका एहतराम नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको अपने बेटे गर्शोम के खतना से मना कर दिया था।
हम मिस्र का दौरा करके यह देखना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते थे। मैं दोबारा मिस्र नहीं जाना चाहता। क्या आप अभी समझते कि गोशन वहाँ है? हाँ, गोशन वही है। मेरे लिए यह ऐसा ही है जैसे मैं दो लोगों के बीच अटक गया और एक ऐसे फसील पर बैठा हूं जो दो दुनियाओं को अलग करती है। मैं दो पहचानों से जद्दोजहद कर रहा था जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। आपका मतलब दो भाइयों के दरमियान जो आपस में झगड़ते हों? हाँ बिल्कुल, ऐसे दो भाइयों की तरह, जबकि मुझे दोनों से मोहब्बत है, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे से राजी नहीं होना चाहते। एक दिन उनमें से एक खड़ा हो गया जिसने दूसरे को कत्ल कर दिया, सो मैंने निजात की खातिर गुरेज किया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा गुरेज किया अब्बा जान, वरना हम पैदा ही ना हो पाते। वाकई ताज्जुब है कि बेहतरी भी किसी खौफजदा शुरुआत से निकल कर आ सकती है। तुम दोनों मेरी जिंदगी की दी हुई बख्शिश हो, और मैं एक चरवाहा था और मेरे पास एक चरवाहे का दिल है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन अब्बा जान, आप तो एक शहजादे हो और आपके पास शहजादे का दिल है। ये सच है, मैं शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हमेशा चरवाहे का था। बराए करम, तुमने हमेशा मुझे मात दी है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, ये लीजिए। तुम कहां जा रहे हो? कल सुबह मैं और मेरा बेटा रेगिस्तान के पिछले हिस्से में अपने मवेशियों का गोल ले जाएंगे। क्या आप लंबे फासले पर जाएंगे? मैं नहीं जानता सफूरा। मैं जानता हूं ये लंबा फासला होगा, अपना ख्याल रखना, बखैरियत वापस आ जाना। इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगा। खुदा करे सुबह बखैर हो। अपना ख्याल रखिए चचा जान। और आप भी। खुदा हाफिज प्यारी सौजा। बच्चों अपने वालिद का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। रेवड़ से एक बकरी गायब हो गई है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा अब्बा जान। नहीं रहने दो, तुम अपने भाई के साथ रहो। अब्बा जान देर ना करिएगा, मेरे आने तक आराम करो। क्यों नहीं पकड़ रहे?
अचानक झाड़ियां पुकारती हैं। तो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें। मैं तो बस जश्न मनाने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी माँ सफोरा से शादी कर ली और हम लोग मिदियान में 40 साल तक रहे। और मिस्र में आपके खानदान वालों का क्या हुआ? उनकी और मुल्क मिस्र की भी मुझे कोई खबर नहीं मिली और खुद मैंने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या अब्बा जान? मैं बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे दादा जान जेथुरू के साथ। फिर तुम पैदा हुए मेरे बेटे। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। उसे देखा तुमने? वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था? वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफुरा तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत और तवाना मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत से बहुत प्यार करती है मूसा। मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें बच्चे की खतना करवानी चाहिए। क्या तुम्हारा अल्लाह ये नहीं समझता कि इस तरह खानदान बढ़ जाएगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। और क्यों नहीं उससे पूछ लो, पूछो उससे। ऐ मेरे वालिद इब्राहिम के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद इसहाक के अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। चचा जान, मैं अपने बेटे की खतना चाहता हूँ। मैं इसका नाम गर्शोम रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अपने बच्चे की खतना न करवाइए, जैसा कि आपका इरादा है। चचा जान, अल्लाह ताला से ये हमारा मुहायदा है। मूसा, तुमने कहा था कि दोबारा मिस्र कभी नहीं जाओगे, अब हम लोग आप ही के हैं, तो अल्लाह से आपका क्या मुहायदा? ये मुहायदा हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम का है कि हर लड़के की खतना की जानी चाहिए, मेरे बेटे की भी। सफोरा बच्चे की खतना नहीं करवाना चाहती, और वो तुम। ऐ मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मुझे इस जिंदगी से प्यार है और मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी सफोरा से और बेटे गर्शोम से। मुझे राह दिखा या अल्लाह, और हमेशा वो रास्ते दिखा जिन पर मैं चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज। वालेकुम अस्सलाम सफोरा। मैं आपके लिए खाने और मशरूबात लाई हूँ बराए करम। शुक्रिया।